वैसे आपको ये भी बता दें कि बीजेपी के लुंगी टोपी वाले बयान पर यूपी में सियासत अब गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी हार के डर से बौखलाई हुई है और इसी वजह से ऐसे बयान बीजेपी नेता दे रहे हैं। बीजेपी हार के डर से बौखला गई है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लगातार यूपी में होने वाले चुनाव को लेकर के वार पलटवार का दौर शुरू है और ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य के लुंगी टोपी वाले बयान के बाद अब विपक्ष बीजेपी पर निशाना साध रही है और कह रही है कि चूंकि हार के डर से बीजेपी बौखलाई हुई है, इस वजह से ऐसे बयानबाजी बीजेपी की तरफ से हो रहे। उत्तर प्रदेश की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी को 2022 में हार का डर इस कदर सताने लगा है कि वो हार से बचने के लिए जाति धर्म की राजनीति का सहारा ले रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी जो नफरत की राजनीति कर रही है उसको सत्ता से बाहर फेंक देगी। विवादित बयानों का रिकॉर्ड बनाने में जुटे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में समाजवादी पार्टी से जुड़े मुस्लिम नेताओं को उन्होंने कहा लुंगी और टोपी वाला गुंडा। से पहले कितने लोग इकट्ठा देखे थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और भटकाने का काम कौन करता था? ये है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का नया दांव। केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज में व्यापारियों के सम्मेलन में बोलते हुए चुनावी मैदान में टोपी और लुंगी की एंट्री करा दी। से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवॉल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आपकी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी मत जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? या सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने इशारों इशारों में ही एसपी और बीएसपी शासन में गुंडा टैक्स वसूली का आरोप लगाया। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य ने तीखे बयानों से ध्रुवीकरण की कोशिश की हो। 1 दिसंबर को ही मौर्य ने ट्वीट किया था, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी। विवाद बढ़ने के बाद भी मौर्य बयान से वापस नहीं हुए थे। देखिए, हम हर हर महादेव कहते हैं, जय श्री राम कहते हैं, जय श्री कृष्ण कहते हैं, जिनको उससे दर्द हो रहा है उससे वो अपना दवा कहीं से ले लें, लेकिन हम लोग ना राम कहना छोड़ेंगे, ना शिव जी कहना छोड़ेंगे, ना कृष्ण जी कहना छोड़ेंगे। हम तो उनके भक्त हैं और भक्ति के हैं, जो हमारी जिम्मेदारी उसको निभा रहे हैं। ठीक है। वहीं अखिलेश कह रहे हैं कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए चुनावों में धर्म की एंट्री करा रही है। भगवान कृष्ण हम सबके हैं, कोई ऐसा नहीं यहां होगा पंडाल में या यहां पर जो भगवान कृष्ण को नहीं मानता। हम तो इतना ही जानते हैं कि भगवान को वही याद करता है जो तकलीफ और परेशानी में होता है। जनता ने मन बना लिया है, किसान ने, नौजवान ने, व्यापारी ने मन बना लिया है, इनका सफाया होगा। वहीं बीजेपी कह रही है कि उसका निशाना तो दरअसल माफिया डॉन मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद और आजम खान पर है, तो एसपी को तकलीफ क्यों हो रही है? यूपी में चुनाव हलचल देखते हुए अंदाजा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये तकरार और तीखी होती नजर आ सकती है। ABP News, आपको रखे आगे।